मान लीजिए इस महीने आपने 2000 बिल किया, 2000 बिल का मतलब क्या है, 4000 रुपया सुना आपने 2000 बिल किया, जैसे आप 27 बिल करते हो ना 7% के चेक पर आता है, 27 बिल किया यानी एक भी प्रोडक्ट खरीदा आप 7% पे तो आ गए, वो तो आसान है, वो तो आपको हर हाल में, मुझे ही बताओ मार्केट से कोई कैशबैक आता है नहीं, या आप एक भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो 7% पे आ जाते हो, 7% का चेक आपका बन जा रहा है। अब मान लो इस महीने आपने, पहले महीने आपने 2000 का सामान खरीदा, 2000 क्रेडिट किया तो 7% के हिसाब से 140 रुपए का चेक आपका आ जाएगा। अच्छी बात है, बुरी बात है। अब अगले महीने आपने फिर से 2000 का किया तो पिछले महीने जो 2000 का था वो प्लस 2000 इस महीने का टोटल कितना हो गया 4000। अब 4000 जो हमारी अगली स्लैब बनती है वो 8127 बीवी करने पर 10% पर होता जाता है, 27 पर होता है 7%, 8127 पर होता है 10%। पर आपने पहले महीने 2000 किया था, अगले महीने 2000 किया, 4000 पे आया, अब उसके अगले महीने मान लो आप 5000 कर लेते हो, अगले महीने भी आपको 140 का चेक आ गया, उसके अगले महीने मान लो आप 5000 कर लेते हो, तो पहले का 4000 और इस महीने का 5000 कितना हो गया, अब आप 8127 क्रॉस कर गए तो अब आप 10% पर आ गए, अब 5000 का 10% 500 रुपए का चेक आएगा, कैसा लगेगा, यानी हर महीने बिजनेस जीरो नहीं होगा, पिछले 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 महीने का बिजनेस जुड़ता जाता है और उस हिसाब से आपकी परसेंटेज 7 फिर 10 फिर 13 फिर 16 फिर 19 फिर 22 बनती जाती है। गुड न्यूज पता है क्या है, अभी मैंने जो एग्जांपल आपको बताया है वो सिर्फ आपकी परचेज का बताया है, आपकी कलकत्ता आपके दिल्ली वाले चाचा कलकत्ते वाले चाचा के साला और साले की भाभी नासिक वाली वो भी जो खरीद करेंगे वो भी आपकी परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो आपके लिए 8127 होना जल्दी होगा या मुश्किल से होगा, जल्दी होगा। और मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ 162027 होने पर 22% पर आते हैं, आपसे एक बात पूछती हूँ, आपके दादा दादी पापा मम्मी आप लोगों ने मिलकर अभी तक 1.5 लाख रुपए का डिटर्जेंट खरीदा है, घी तेल खरीदा है, चाय की पत्ती खरीदी है, ये सब राशन जो मैं नाम ले रही हूँ खरीदा है, क्या 22% गारंटेड मिलता है, या हम कह रहे हैं आप भी और आपके रिश्तेदारों के दोस्तों के दोस्तों के रिश्तेदारों भी सब के सब लोग जो खरीदेंगे वो आपको 22% ले जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ आप 22% पर जाओगे कि नहीं जाओगे, जैसे आप 22% पर जाते हो आप बन जाते हो डायरेक्टर, आपका अगला बोनस शुरू हो जाता है, पर ये बोनस ऐसे बढ़ता है कि आप 22 पर हो और आपने जिनकी ज्वाइनिंग कराई है मान लो वो 10% पर है, तो 22 में से 10% उनको मिल जाएगा, 22 माइनस 10% 12% आप कमाओगे। अब एक बात बताओ, कलकत्ता वाले साले के नहाने धोने पे पैसा कमाओगे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बिजनेस की खास बात है, यानी कि 22% पे गारंटी जाओगे तो डायरेक्टर हो जाओगे, अगला बोनस कंपनी के बिल का 14% डिस्ट्रीब्यूट होता है डायरेक्टर्स के बीच में, जुड़ते 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 क्रम में जब भी आपके पूरे ग्रुप का बिजनेस 1,65,027 हो जाता है तब आप डायरेक्टर बन जाते हो और आपको डायरेक्टर बोनस मिलने लगता है। अभी बताओ सिर्फ आप ही डायरेक्टर जाओगे या आपके नीचे वाले भी डायरेक्टर बन जाएंगे, जब आप एक डायरेक्टर बना लोगे साइड का अपने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो मेंटेन करोगे तो सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे, तो आपको फॉरेंटियर मिलने लगेगी, जब 3 डायरेक्टर बना लोगे और साइड का थोड़ा सा मेंटेन करके एसईडी हो जाओगे तो कार पूल मिलने लगेगा, कार फंड मिलने लगेगा, 6 डायरेक्टर बना लोगे तो आपको हाउस फंड मिलने लगेगा, और जब आप अपने डायरेक्टर के नीचे बताओ आपने जिनको बनाया वही डायरेक्टर होंगे या उनके नीचे वाले भी डायरेक्टर जाएंगे, कलकत्ता वाले वो दिल्ली वाले चाचा का कलकत्ता वाला साला भी तो डायरेक्टर जाएगा ना, जब आपके नीचे कोई डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा, डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर चले जाएंगे और वो सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा और उस पूरे ग्रुप से 6000 पॉइंट बिजनेस आने लगेगा, तब आपको 15% बोनस दी लॉयल्टी एलपीबी बोनस मिलने लगता है। बहुत सारे बोनसेस हैं, हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, ऐसे आपको बोलना है, बहुत सारे बोनसेस हैं हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे, मैं आपको जो चाहती हूँ अभी आप समझो वो दो वाले मोदी के ज्वाइन करेंगे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे लेंगे, रिटेल प्रॉफिट सेविंग आपकी अच्छी होने लगेगी। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि आप खुद अपने एफर्ट्स पे नहीं कमाएंगे, आप पूरा जो आपका नेटवर्क होगा उससे जो भी बिजनेस कंपनी को मिलेगा उससे जो भी बिजनेस आप करोगे वर्ड नहीं यूज करना है, उससे जो भी बिजनेस कंपनी को मिलेगा उस पर आपको 8 तरीके की इनकम मिलेगी,
और उसमें जो एक है वो ये एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस है जो 7% से 22% तक की है, जो मैंने आपको डिटेल बताई। तो इस पे हाथ साफ करना है, मैं अगले 10 मिनट दे रही हूँ, आप लोग इस बोनस पे बातचीत कीजिए, एक दूसरे को सुनाइए, मेरी जरूरत है मुझे बताइए इस बोनस पे बचत और एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, इस पर मैं चाहती हूँ आप सबका बिल्कुल तगड़ा हाथ सेट हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे कि आप क्या। यू हैव 10 मिनट्स टू परफेक्ट इन दिस।